अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नया व्लॉग ईद उल फितर का व्लॉग है। आज हम लोग जा रहे हैं ईद उल फितर के सिलसिले में बीच पे जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग करते हैं और कुछ जो है बारबेक्यू बनाते हैं। तो ये हमारा रास्ता है, हम अभी रास्ते में हैं और आपको साइडों पे हम आप दिखाते हैं कि कैसे हरे भरे खेत हैं, गांव का माहौल है। काफ़ी दूर है हमारे घर से, ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर या 105 किलोमीटर नेविगेशन है। वहाँ जाके हम बारबेक्यू करेंगे, आपको बीच दिखाएंगे। और ये बीच जो है मड स्कीपर्स के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि मड स्कीपर्स एक किस्म का फ़िश है, बट फिश नहीं भी है, फिश भी है। तो वो आपको जाके दिखाते हैं मड स्कीपर्स कैसे हैं। और अभी आप मेरे साथ रास्ता इंजॉय करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आई ग्रो मोर एंड एबल टू गिव यू मोर वीडियोज। बारबेक्यू के लिए कुछ सामान परचेज करने के लिए आए हैं। डिवेल्प हो जाता है तो इन जगहों का क्या फ़ायदा होता है? जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं, आपने गांव में या दूर दराज एरिया में आबाद कर रखी होती है, आप उसका फ़ायदा जो होता है कि टूरिस्ट आते हैं आपकी कंट्री में, अपने पैसे स्पेंड करते हैं और साथ के साथ लोकल लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। अब यहाँ पर आपको मेरे पीछे एक छोटा सा कैफे शॉप नज़र आ रहा है, वेरी टाइनी स्मॉल, लेकिन इसमें अच्छा खासा रश है। ओ अभी आपको मड स्कीपर के बारे में मैं बात कर रहा था कि मड स्कीपर के लिए ये बीच बहुत मशहूर है, फेमस है। तो रोड बड़ा ध्यान से क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके जगह जगह पे स्टैचू बने हुए हैं मड स्कीपर्स के। मड स्कीपर एक ऐसी मछली है जो गारे में मड वाली जगहों पे ज़्यादा रहती है, समंदर में रहती है, लेकिन जहाँ पे मड होता है, जहाँ पे गारा होता है, वहाँ पे बाहर निकल आती है। और उसके साथ ये चल भी लेती है और आपस में फाइट भी बहुत करती है। ये पानी के बगैर जिंदा रह लेती है कई घंटे, और पानी के बगैर ये आसानी चल लेती है। और बड़ी मज़े की इसकी एक मतलब आपको शक्ल नज़र आएगी। और ये कोरियन जो लोग हैं इसको बड़े शौक से खाते हैं, मैंने कभी टेस्ट नहीं की और मैं टेस्ट करूंगा भी नहीं, आई डोंट वांट टू टेस्ट। ये है जी वो मड स्कीपर, इसको आप कह सकते हैं मड फिश, मड स्कीपर। ये देखें फेस जो थोड़ा सा माय ओपिनियन अगली है, नॉट गुड, बट क्या करें, अच्छा है। हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, आपको शायद विंड प्रेशर, विंड नॉइज आ रहा हो। और ये आप देखें जो इन्होंने एक पंखा सा लगाया हुआ है जो बिजली जनरेट करता है, बड़े मज़े से फुल टाइम घूम रहा है। कोरियंस जो हैं वो लॉ को बहुत फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो पार्किंग, तो इधर कोई पार्किंग आपको नज़र नहीं आई। ये देखें नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग। Our car is parked over here. इस कार के पीछे यहाँ पे लोगों को बैठने की जगह,
और आपको देखिए मेरे सामने नजर आ रहे पूरे बूढ़े बूढ़े कोरियन हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये कि इन्होंने वॉकिंग ट्रैक सा बनाया हुआ लकड़ी का दरिया के समंदर के अंदर। बहुत मजे का है, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये देखें, मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं अच्छे से अच्छा कैप्चर कर सकूं। ओके नॉट बैड। हवा बहुत ज़्यादा है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता मेरा मोबाइल पानी में नहीं चला जाए। बहुत प्रेशर है, विंड सो विंडी हियर। इस पे थोड़ा आगे आया हूँ, थोड़ा सही तो बहुत डेंजरस है यार, इट्स रियली डेंजरस। प्रेशर बहुत है, विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि डर लग रहा है कि बंदा बीच में गिर जाएगा, इतनी तेज़ विंड चल रही है। मैंने मोबाइल जो है ना हाथ से भी पकड़ा हुआ है। अभी मौसम चेंज हो गया है, घरों से बाहर घूमने वाली जगहों का रुख कर लिए हैं। ऑटम आने वाला है, स्प्रिंग चल रहा है, अभी तो हाफ सीजन मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की ठंड लग रही है, बट अभी 2 घंटों बाद ये सर्दी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपस की बात है, मैं अपना हुड लाना भूल गया। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ हुडीज रखता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट, आई कुडंट। गंगनाम उफा, गंगनाम स्टाइल, गंगनाम स्टाइल। अच्छा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप अपने सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं? आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कहाँ पे बैठे हुए, बेड पे सोफे पे तो हैं, लेकिन किस सिटी से? अब मैं दोबारा इधर इधर इसको जूम करके देखता हूँ कि अभी अभी आपको ट्राई। हाँ ये देखें, ये है असल नेकेड आई की या कैमरे की नज़र की मैट्स कीपर्स। इनको छेड़ते नहीं है, उन्हें रेस्ट करने दें, धूप तापने दें, और हम फोकस करते हैं कि इधर क्या क्या है। ओके ये बीच है, इसका ये बीच है, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है, और ये पार्टी हो रही है। राइट थोड़ा थोड़ा करते हैं एक्शन, करते हैं एक्शन। हेलो गाइस, ये हम हैं, ये हमारा बीच है, और ये पार्टी हो रही है। नहीं वायरल, वायरल कर दो यार, बहुत ही प्यारा बीच है। और हम लोगों ने जब तक बारबेक्यू करना है वो काफ़ी आगे है, दैट वे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं उसकी तरफ और मुलाकात होती है। अब आपसे मुलाकात होगी अपने बीच बारबेक्यू प्लेस पे। ओके आज हम बीच में आए हैं, आप लोगों को बीच दिखाते हैं। और ये बीच जो मड स्कीपर्स की वजह से बहुत मशहूर है, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मड स्कीपर्स पाए जाते हैं। और आपको मड स्कीपर मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये जहाँ पे पानी टच कर रहा है, पानी वो मूव कर रहा है, वो अंदर जा रहे हैं वापस। ये 4 इधर मुझे कैमरे में नज़र आ रहे हैं, आप अगर ज़्यादा देख सकते हैं वो उसने जंप लिया और अंदर चला गया। आप ज़्यादा देख सकते हैं तो ज़्यादा भी नज़र आ सकते हैं अगर आप फोकस करें। लेट मी सी विद, 2 4 5 5 इस टाइम बैठे हैं नेकेड आई में, मुझे नज़र आ रहे हैं 5। ये एक छोटे से पत्थर पे बैठे हैं कुछ। बेबी शार्क, डू 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 डू, बेबी शार्क, यहा शार्क, डू 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 डू, यहा शार्क। गटर Oh, look over there. Wow. Wow.
everybody is there. Go stand here. Wow. Good job. Sorry. Look. Wow. Very good. Wow. हम वापस आ गए हैं, अपनी वीडियो के अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्लीपी, आई वांट टू स्लीप।